हेलो व्यूअर्स, आज बात करने वाले हैं ऐसे ही पैसे के बारे में, क्योंकि इसको क्लीन कैसे करते हैं, क्लीन करने के सीखेंगे, क्लीन कैसे करते हैं, ये कैसे हो गया, ये पैसे ऐसे कैसे हो गया, ये क्लीन करने के चक्कर में ऐसे हो गया, ऐसे क्लीन नहीं करेंगे, ऐसे ही वीडियो। ये रहा दोस्तों हार्पिक, इसमें पैसे को इसमें डाल देंगे, फिर ये क्लिंग होके निकल के आएगा। ये हार्पिक है, हार्पिक को सब को कॉइन में हार्पिक में नहीं डालना चाहिए, कौन सा कॉइन डालना चाहिए ऐसे की बारे में बात करेंगे। जो कॉपर निकल का है वो हार्पिक में डालते हैं। ये जो हार्पिक है, ये कॉपर मेटल का कॉइन जो है उसको साफ करने के लिए सही है। जो ब्रोंज का कॉइन है उसको हार्पिक में नहीं डालना चाहिए, हार्पिक में नहीं डालना चाहिए। हार्पिक में डालने से ऐसे कॉइन हो जाएगा आपका। ये हो गया हमारा 10 रुपये कॉइन, क्योंकि ये इसको 2-3 दिन हार्पिक को रखने से ऐसे हो जाएगा। अच्छा कॉइन था, ऐसे ही अच्छा कॉइन था। इसको भी अगर हार्पिक में डाल के 2-3 दिन रखा जाए तो इसकी तरह हो जाएगा, इसकी तरह हो जाएगा, ये कॉइन की तरह हो जाएगा। ये भी कॉइन अगर हार्पिक में डाल के रखेंगे तो इसको पानी में भिगो के जो कलकट है, ये रहा आप कोलगेट, कोलगेट से इसको क्लीन करते हैं। इसको अगर कोलगेट थोड़ा सा लगा के ऐसे करके इसको अगर ज़्यादा ख़राब है तो इसको ब्रश ले लेना है, 10-20 रुपये का आता है, ऐसे करके ब्रश से इसको थोड़ा सा रगड़ के फिर देख लेना है कोइन क्लिंग होता है कि नहीं, क्लिंग हो जाएगा दोस्तों। और भी एक स्टेप है, अगर इससे साफ नहीं होता है तो नींबू पानी में डालिए, नींबू पानी अच्छा होता है, नींबू पानी में कोइन का खराबी कुछ नहीं होता है। लेकिन हार्पिक में मत डालिए, क्योंकि ब्रॉन्ज का कोइन खराब हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, खा लेगा ब्रॉन्ज को, ब्रॉन्ज को खाता है वो हार्पिक, गला देगा पैसे को। हार्पिक में डाल के रखेगा तो ऐसे हो जाएगा, हार्पिक में नहीं डालना चाहिए कॉइन को। फिर इसको देखते हैं, ऐसे ही क्लीन करना पड़े दोस्तों। आपको हार्पिक में डालने का ज़रूरत नहीं है, ये ब्रोंज का कॉइन, ब्रोंज मेटल का कॉइन है ना, उसको डालेंगे तो खराब हो जाएगा, इसी तरह हो जाएगा हार्पिक में डालने से। ये पैसे की क्लिंग चमकदार, देखो दोस्तों चमक रहा है ये पैसे अभी। क्लिंग हो जाएगा ब्रोंज का मेटल का कॉइन, हार्पिक में मत डालो। ये जो हार्पिक है हार्पिक में मत डालो, क्योंकि हार्पिक में डालने से खा जाएगा पैसे को, फिर इसी तरह हो जाएगा। फिर कहोगे कि यार कौन सा काम किया, खराब हो गया कॉइन, ये काम मत करिए, कीजिए, हार्पिक में डालना चाहिए ऐसे कॉइन। ये हो गया आपका निकल ब्रांच, निकल कॉपर निकल का, ये है अफिशियस स्टील का, ऐसे कॉइन डालना चाहिए। ये है कॉपर निकल का, ऐसे ही कॉपर निकल का पैसे को, ये कॉपर मेटल का है, इसको डालना चाहिए ऐसे कॉपर, ये इसको भी डालना चाहिए, लेकिन जो ब्रोंज मेटल का है उसको मत डालिए। ब्रोंज मेटल का कॉइन नहीं डालना चाहिए। ऐसे ही हमारे पास ब्रोंज मेटल का कॉइन है, इधर इसमें रखा है,
ये ब्रॉन्ज मेटल का कॉइन है, इसको नहीं डालना चाहिए, हार्पिक में डालने से पैसे को ऐसे कर देगा, कंडीशन खराब कर देगा। ये कॉपर निकल का है, ये इसको खराब नहीं करता है, लेकिन ब्रॉन्ज है ना इसका साइड में, उसको खराब कर देगा, ऐसे हो जाएगा। ये रहा हार्पिक, इसका कलर कैसे ऐसे हो गया, क्योंकि कॉइन साफ करते करते ऐसे कलर आ गया इसका, ये कलर खराब हो गया इसका, हार्पिक का कलर तो पीला होता है, ये कलर थोड़ा अलग ही दिख रहा है। ये रहा हमारा कॉइन, लेकिन दोस्तों जो रेयर एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है उसको मत क्लिंग कीजिए, क्लिंग करने से आपका पैसे की डिमांड कम हो जाएगा और प्राइस भी कम हो जाएगा। कॉमन कॉइन ही क्लिंग करना, जो कि कॉमन है, कॉमन कॉइन को क्लिंग करना चाहिए, ऐसे कॉमन कॉइन को क्लिंग करना चाहिए जो कि ये कॉमन कॉइन है, कॉमन कॉइन को क्लिंग करना चाहिए। कॉमन कॉइन को क्लिंग करने से कुछ नहीं होता है, उसको अच्छा रखता है, जो कि जो स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं उसको क्लिंग मत कीजिए, क्लिंग करने से आपका पैसे का नया हो जाएगा, फिर आपका प्राइस कम हो जाएगा उस कॉइन का। जो एक्सट्रीमली रेयर है उसको मत क्लिंग कीजिए, अगर क्लिंग कर लिया तो उसको और क्लिंग मत कीजिए, क्योंकि क्लिंग करने से आपका पछतावा होगा, क्योंकि मैंने क्यों क्लिंग किया, साफ क्यों किया, साफ नहीं करना चाहिए, ना ही ब्रश रगड़ना चाहिए, ना ही हार्पिक डालना चाहिए, ना ही लीबू पानी में डालना चाहिए। अगर आपके पास वैल्यूबल सिक्का है, ज़्यादा प्राइस का अगर पैसा है तो नहीं डालना चाहिए, नॉर्मल सिक्का नॉर्मल चिल्लर को क्लिंग करना चाहिए। पाँच दस मिनट की बात इसको इसमें से हार्पिक से उठा के फिर पाँच दस मिनट रखना चाहिए इसमें। दोस्तों हार्पिक में हाथ मत डालिए, हाथ डालने से आपका हाथ खराब हो जाएगा। ऐसे एक चिमटी लीजिए, चिमटी से पैसे को उठाना पड़ेगा। ये रहा, इसको खा लिया, ब्रॉन्ज था ये बहुत ज़्यादा मोटा था, इसको भिगा के रखा था, खराब हो गया। इसको स्टार्ट करेंगे पहले, तेरी माँ की पैसे को इसमें से उठा के फिर पानी में डालना चाहिए। पहले पानी में डालो, पानी में डालने के बाद हाथ लगाना चाहिए। जो कि देख रहे हो पैसे की कंडीशन कैसे है, कैसे था कैसे हो गया, लेकिन आप भी इसको कोलगेट से क्लीन करेंगे। ये कोलगेट थोड़ा सा लगाना चाहिए इसमें, फिर देखते हैं इसका कलर डिफरेंट आ जाएगा। इसको कोलगेट को लेके ऐसे रगड़ना चाहिए,
ये रहा हमारा पैसा जो किलिंग किया अभी अभी। देख सकते हो ये कॉइन किलिंग हो गया। ये है लंदन यूके का मिंटिंग जो कि वन के नीचे डायमंड मिंट मार है जो कि 1985 में डाले गए हैं लंदन मिंट की तरफ से। ये वन के नीचे डायमंड मिंट मार्क देख सकते हो। अगर मिंट मार्क के बारे में पता नहीं है सभी मिंट मार्क की आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो हमारे वीडियो। ये है 1/2 पैसा 2 आना 1/2 आना जो कि 1946 का ये कॉइन है जो कि आज की डेट में ये रेयर कैटेगरी में आते हैं। इसको क्लिंक करके दिखाया 2 तारीख को ये कलेक्शन करके लेके आया था। ये है डायमंड मिंट मार्क क्योंकि बॉम्बे मिंट का है ये। ये बॉम्बे मिंट का है कॉइन किंग एम्पीरियल कॉइन है। किंग एम्पीरियल का ये 1/2 आना कॉइन है। रेयर कॉइन किलिंग मत कीजिए दोस्तों इसमें से हार्पिक से उठा के फिर 5-10 मिनट रखना चाहिए इसमें। दोस्तों हार्पिक में हाथ मत डालिए, हाथ डालने से आपका हाथ खराब हो जाएगा। ऐसे एक चिमटी लीजिए, चिमटी से पैसे को उठाना पड़ेगा। ये रहा इसको खा लिया, ब्रोंज था ये बहुत ज़्यादा मोटा था, इसको भिगा के रखा था खराब हो गया। इसको स्टार्ट करेंगे पहले तेरी माँ की। पैसे पैसे को इसमें से उठा के फिर पानी में डालना चाहिए। पहले पानी में डालो, पानी में डालने के बाद हाथ लगाना चाहिए। जो कि देख रहे हो पैसे की कंडीशन कैसे है, कैसे था कैसे हो गया, लेकिन आप भी इसको कोलगेट से क्लीन करेंगे। ये कोलगेट थोड़ा सा लगाना चाहिए इसमें, फिर देखते हैं इसका कलर डिफरेंट आ जाएगा। इसको कोलगेट को लेके ऐसे रगड़ना चाहिए। ये रहा हमारा पैसा जो क्लीन किया अभी अभी। देख सकते हो ये कॉइन क्लीन हो गया। ये है लंदन यूके का मिंटिंग जो कि 1 के नीचे डायमंड मिंट मार है
जो कि 1985 में डाले गए हैं लंदन मिंट की तरफ से। ये वन के नीचे डायमंड मिंट मार्क देख सकते हो। अगर मिंट मार्क के बारे में पता नहीं है, सभी मिंट मार्क की आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो हमारे वीडियो। ये है 1/2 पैसा, 2 आना, 1/2 आना, जो कि 1946 का ये कॉइन है, जो कि आज की डेट में ये रेयर कैटेगरी में आते हैं। इसको क्लिंक करके दिखाया, 2 तारीख को ये कलेक्शन करके लेके आया था। ये है डायमंड मिंट मार्क, क्योंकि बॉम्बे मिंट का है ये। ये बॉम्बे मिंट का है कॉइन, किंग एम्पीरियल कॉइन है, किंग एम्पीरियल का। ये 1/2 आना कॉइन है। रेयर कॉइन क्लिंग मत कीजिए दोस्तों, कॉमन कॉइन क्लिंग कीजिए, सब कीजिए कॉइन कॉमन जो है। और हैपिक में ऐसे कॉइन तो मत डालिए, ये ब्रॉन्ज को खा लेता है, ब्रॉन्ज का कॉइन है। ये जितना सारा कॉइन देख रहे हो, इसको भी 10 से 20 मिनट तक रख सकते हो हार्पिक में डाल के। पूरे रात भर मत छोड़िए, क्योंकि इसका वेट कम हो जाएगा इस कॉइन का, अगर हार्पिक में डाल के रखोगे तो। सब्सक्राइब करना, फिर लाइक करना, फिर नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके, ताकि हमारा वीडियो अब तक पहले पहुँचे। अगले वीडियो लाएंगे, राइस पूलिंग कैसे बनाते हैं।